अब आप चाहे टंकी के सपोर्टर हो या फिर दोस्तों सलार के सपोर्टर हो, दोनों के लिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों के मेरे पास यहाँ पे जो एडवांस बुकिंग जो होती है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं। गाइस कितना पैसा कमाया, कितनी टिकट बिकी, कितने शोज होने वाले, सब कुछ बताऊंगा। एंड मुझे पहले तो कमेंट करके बताओ यार कि आप लोग यहाँ पे जो है कौन सी फिल्म को ज्यादा सपोर्ट करने वाले हो, टंकी को या फिर दोस्तों सलार को, ताकि मेरे को एक आइडिया हो सके कि मेरे सामने यहाँ पे जो है किसकी ऑडियंस ज्यादा है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो दोनों की रिपोर्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड गाइस सबसे पहले बात करते हैं टंकी के बारे में। ठीक है, टंकी का अभी तक का यहाँ पे जो है ओवरऑल एडवांस कलेक्शन यहाँ पे जो है कितना आ चुका है, प्लीज मेक श्योर एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको हर एक अपडेट जो होती है सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं डंकी की यहाँ पे जो है एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट मेरे हाथ में यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं। डंकी ने अभी तक यहाँ पे जो है 5.88 करोड़ रुपए की इनकम जो होती है ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया टिकट बुकिंग से। एंड उसने यहाँ पे जो है अभी तक 196,705 टिकटें जो होती है वो यहाँ पे सेल की है। उसको यहाँ पे जो है 8,008 शो जो होते हैं वो अभी तक यहाँ पे मिले। ठीक है, मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, रात को रिपोर्ट चेंज हो जाएगी बिकॉज डाटा यहाँ पे जो है हर 2 घंटे में यहाँ पे बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों के सामने पे जो है सलार के बारे में। ठीक है, सलार का अभी यहाँ पे जो है टीजर ट्रेलर निकल कर आया है, इसके बाद हाइप जो होती है वो यहाँ पे सलार की और बढ़ चुकी है। ठीक है, एंड सलार की हाइप बढ़ने के कारण भाई लिटरली में टिकट यहाँ पे जो है और भी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे को सुनने में आया है कि अभी तक यहाँ पे जो है मेन रीजन हैदराबाद में भी यहाँ पे जो है ढंग से अभी ओपन नहीं हुई है। ठीक है, पता नहीं कब ये लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, 4-5 दिन है मूवी रिलीज होने में। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसकी भी यहाँ पे जो है फाइनली। एंड अच्छी बात मुझे ये लगती है कि देखो डंकी सिर्फ यहाँ पे जो है हिंदी में। ठीक है, अगर आप लोग चेक करोगे सलार को तो गाइस सलार यहाँ पे जो है बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे जो है आ रही है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, तो उन सभी का यहाँ पे जो है कलेक्शन मेरे सामने यहाँ पे निकल कर आ चुका है। अभी भी यहाँ पे जो है वो डंकी को पीछे नहीं कर पाई है कलेक्शन के मामले में, बिकॉज गाइस यहाँ पे आप लोग देखो 4.92 करोड़ रुपीज की इनकम अभी तक यहाँ पे जो है सलार ने यहाँ पे किया। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोग शॉक होने वाले हो, बिकॉज सलार ने यहाँ पे जो है डंकी से ज्यादा टिकटें जो होती है वो यहाँ पे सेल की है। एंड अगर हम बात करें टिकट के बारे में तो गाइस 2,29,100 टिकट जो होती है वो यहाँ पे अभी तक सेल करी है सलार ने, जबकि यहाँ पे जो डंकी ने आई थिंक 196 यहाँ पे जो है 196 के यहाँ पे टिकट सोल्ड की थी। ठीक है, सलार के पास जो शो है गाइस वो भी यहाँ पे जो है 3,949 शो ही है, जबकि डंकी के पास 8,000 से ज्यादा शो जो होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, मेरे को बोलोगे भाई कि यार टिकट यहाँ पे जो है सलार ने ज्यादा यहाँ पे जो है सेल करी है तो डंकी की इनकम यहाँ पे जो है ज्यादा कैसे हो रही है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो एक चीज को नोटिस किया होगा तो सलार की यहाँ पे देखो जो एवरेज टिकट प्राइस है ना गाइस, सलार की यहाँ पे जो है अलग अलग रीजनल होने के बाद अलग अलग प्राइसेज जो होती है काफी कम, जैसे कि यार आई थिंक साउथ में यहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे जो सिंगल स्क्रीन है वहाँ पे बहुत ज्यादा है, एंड जो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे यहाँ पे जो है मल्टीप्लेक्स को काफी ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो सिंगल स्क्रीन में आप लोग पीछे की सीट भी ले लोगे मैक्स टू मैक्स जाकर कितनी पड़ेगी, 130-200 तक पड़ेगी, है ना। वैसे यहाँ पे जो है देखो मलयालम के अंदर आप लोग यहाँ पे खुद हो गए, मलयालम के अंदर तो यहाँ पे 138 रुपीज है सिर्फ यहाँ पे एवरेज टिकट प्राइस। ठीक है, सिर्फ 138 रुपीज। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे तमिल के अंदर यहाँ पे, तो गैस यहाँ पे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा 136 रुपीज यहाँ पे जो एवरेज टिकट प्राइस है। लेकिन अगर इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे टिकट प्राइस काफी कम है, और अगर हम डंकी की बात करें तो गाइस डंकी सिर्फ हिंदी में यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और हिंदी में आने के बाद यहाँ पे जो उसकी एवरेज टिकट प्राइस रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पे 275 रुपए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है जो इनकम होती है वो डंकी की ज्यादा है, सलार की यहाँ पे कम है बिकॉज ऑफ द एवरेज टिकट प्राइस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिकॉर्ड निकल कर आ चुका है, डंकी अभी भी यहाँ पे जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आ गया है। ठीक है, अभी देखो ट्रेलर अभी आया है, हाइप पूरे दिन में और बिल्डअप होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, तो क्या होगा डेटा एंड में यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे जो है चेंज हो सकता है, तो मैं आपको हर एक चीज के बारे में रिपोर्ट देता रहूंगा। फटाफट जाओ, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे।